कि चतुर्थी का चंदा, क्योंकि भगवान गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दिया है। कि गणेश पुराण में बड़ी लंबी कथा है कि भगवान गणेश जी जब प्रकट हुए तो गणपति भगवान का बड़ा मोटा उदर था। चतुर्थी के दिन भाद्रपद चतुर्थी को भगवान कृष्ण का जन्म हो, भगवान गणपति का जन्म हुआ। और जब भगवान गजानन का जन्म हुआ भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ, तो बड़ा मोटा पेट था गणेश जी का, लंबी सूंड थी, ऐसे अलौकिक थे भगवान गणपति। तो जैसे ही आकाश में चंद्रमा आए तो वो हंस गए चंद्रमा। गणेश जी ने तिरछी निगाह से देखा और कहा कि अच्छा तुम किसी के ऊपर हंसते हो, इसलिए तो बोलते हैं हर किसी के का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हर किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। लोग अपने को नहीं देखते लेकिन दूसरे के ऊपर बड़ा हंसते हैं, कभी कभी बड़ा मजाक उड़ाया जाता है। हाँ, उपहास किसी का ऐसे न किया जाए, इसलिए बड़ा मजाक उड़ाया गणेश जी का। तो गणेश जी ने साप दे दिया, यस्मात तस्मात तुम शयी भवा, तुम शय हो जाओ, क्षीण हो जाओ चंद्रमा। तो चंद्रमा क्षीण हो गए और तब भगवान गणपति का उन्होंने वंदन और प्रणाम किया, गणेश जी का बहुत आराधन किया। तब गणेश जी ने कहा कि देखो अब तुम्हारी कलाएं घटती और बढ़ती रहेंगी, इसी कारण एक पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती रहती हैं और एक पक्ष में चंद्रमा की कलाएं क्षीण होती रहती हैं। लेकिन हमने जो शाप दिया है वो तो शाश्वत होगा कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष को जो तुम्हें देख लेगा उसको मिथ्या आरोप उसको लगेंगे, झूठा आरोप उसको लगेगा।